हम इस वक्त मौजूद है पोलो व्यू श्रीनगर में और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से यहाँ पर एक इवेंट मुनक्कद हो रहा है। हम आपको लाइव विजुअल्स पोलो व्यू श्रीनगर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे भी मौजूद है जो जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी किया है। इसके अलावा यहाँ पर लोकल भी मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कि क्राउड अच्छा खासा हमें लोगों का देखने को मिल रहा है। इससे पहले की बात करें तो ट्यूलिप गार्डन से हमने सेम ये इवेंट जो है ये आप तक पहुंचाया था और आज की बात करें तो आज पोलो व्यू में ये इवेंट मुनक्कद हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर लोकल्स भी मौजूद हैं। ये लाइव विजुअल्स हम आपको पोलो व्यू श्रीनगर से दिखा रहे हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक इवेंट मुनक्कद हो रहा है। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा आपको यहाँ की ओर ले जाए। यहाँ पर आप देखिए कि लोकल्स भी काफी सारे मौजूद है जो कि इसके अलावा ना ही सिर्फ हम लोकल्स की बात करें कुछ ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बच्चे जो कि डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम इलेक्शंस की बात करें तो पहले ही इलेक्शंस की तैयारियां की गई थी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर बुलाया गया था जब उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू वगैरह भी लिया था। उसके अलावा यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑलरेडी इलेक्शंस हो गए। हम उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, हम जम्मू की बात करें तो वहां पर वोटिंग हो गई। अब श्रीनगर की बारी है तो 13 मई को यहां पर वोटिंग होगी और ये इवेंट भी इसीलिए मुनक्कद हो रहा है कि ताकि हम लोगों को अवेयर करें कि वोट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर स्टेज भी सजाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे भी मौजूद है जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा वहां से भी आप देखिए कि वहां से भी कुछ लोग मौजूद हैं, अलग अलग प्रोग्राम सबके हैं। ये लाइव विजुअल्स आप बिल्कुल पोलो व्यू श्रीनगर से देख रहे हैं जहां आपको बता दें कि आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से यहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट मुनक्कद हो रहा है। इससे पहले हमने ट्यूलिप गार्डन से भी आप तक रिपोर्ट पहुंचाई जब वहां पर एक इवेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से ही मुनक्कद हुआ और आज फिर से श्रीनगर में ही श्रीनगर के पोलो व्यू इलाके में ये इवेंट जो है ये यहाँ पर मुनक्कद हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि आपको पूरा व्यू दिखाए। आप देखिए कि यहाँ पर लोकल्स के साथ साथ डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे भी मौजूद है जो कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हम इलेक्शंस की बात करें तो पहले से ही यहाँ पर तैयारियां की गई थी। हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने भी विजिट किया, दो दिन का दौरा था तब उनका, जब उन्होंने यहाँ पर एसकेआईसीसी में सिक्योरिटी रिव्यू भी लिया, उन्होंने एसपीज एसएसपीज से यहाँ पर मीटिंग भी की। और हम दो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, उधमपुर की बात करें तो वहां पर इलेक्शंस हमने देखा कि वोटिंग हो गई। उसके बाद हमने जम्मू में देखा कि वहां पर वोटिंग हो गई। अब हम श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 13 मई को यहां पर वोटिंग होगी। आप याद रखें 13 मई को यहां पर वोटिंग होगी और ये इवेंट भी इसीलिए मुनक्कद हो रहा है ताकि लोगों को पता चले और लोग अवेयर हो। एक तरह से ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि कितना ज्यादा जरूरी है वोट हमारे लिए। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तमिल निशाद के लिए कैमरा पर्सन आरती मुगल के साथ महबूबे।